तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही धमाकेदार है। आज का टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। पेपर नज़दीक आ रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे ही इसी से जुड़े कुछ और भी क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, उसके आंसर भी आपको पता चलेंगे। धमाकेदार क्वेश्चन और आंसर है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पेपर नज़दीक आ रहा है, क्या करें। क्या करें यार, पेपर नज़दीक आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, क्या करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। अगर आपका पेपर नज़दीक आ रहा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं घबराने से कुछ होता नहीं। घबराने से मन इधर उधर भागता है और तैयारी नहीं होती, समझ में नहीं आता कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो देखिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है मुझे उससे नहीं मतलब है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप घबराएंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इस स्थिति में आपको दिमाग को शांत रखना चाहिए और किताब से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको लिखकर याद करना चाहिए। आपको इस समय किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए कि यार मेरे दोस्त वहाँ पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छे अच्छे खा रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ। तो आपको किसी अन्य चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको फोकस यह करना है कि मेरा पेपर आ रहा है, किसी तरीके से ये पार्ट मेरे को मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, बस इसके अलावा आपको आपके दिमाग में कुछ नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कैसे करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सभी लोग पूछते हैं कि यार मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं हो रहे, क्या करें, कैसे याद करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने के लिए उस पार्ट को समझना जरूरी है जिस पार्ट से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, अगर आपने वो पूरा पार्ट ही समझ लिया तो उस पार्ट से कई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत झट से कर दोगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद किया है तो उस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाएगा उसी पार्ट से, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पार्ट को याद करो। ठीक है, अगर आपने वह पार्ट एक बार अच्छे से याद कर लिया तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो तो बहुत ही सरल हो जाएंगे, आप तो बस एक सेकंड में यू चुटकी बचाते उसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जिस मतलब आपको जो भी पाठ याद करना है, जो भी लगता है कि ये पाठ बहुत कठिन है, ये मेरे को याद नहीं होगा, उस पाठ को आपको क्या करना है, उसमें आपको एक कॉपी बनानी है उस पाठ की। ठीक है, आपको मतलब एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में उस पाठ का नाम डालिए। नाम डालने के बाद उस पाठ से जो कठिन कठिन शब्द है, ठीक है, कठिन कठिन शब्द हो गए, कठिन कठिन मतलब हेडिंग्स हो गई, उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, एक लाइन से आप उनको लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके जो आंसर है उसको एक तरफ लिखिए और जो कठिन शब्द है उनको एक तरफ लिखिए। उस कठिन शब्द का कुछ आसान शब्द ढूंढिए, ठीक है, आसान शब्द जो आपको समझ में आ सके। उसके बाद आप उस पाठ को पढ़िए एक बार, तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और उस पाठ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लोगे। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, जब आप कक्षा दो या तीन का बुक उठाइए, कोई आपके घर में होगा, भाई बहन कोई भी होगा, कक्षा दो या तीन या चार में पढ़ता होगा, उसका हिंदी का बुक उठा लीजिए। ठीक है, चाहे विज्ञान में कोई भी बुक उठा लीजिए, आप उसको क्या करिए, एक बार कोई भी एक पाठ उठाइए और पढ़िए। उसके बाद उस पाठ से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप झट से जवाब दे दोगे। क्यों दे दोगे, क्योंकि उस पाठ में सरल शब्दों का उपयोग किया गया और आप जो अब पढ़ाई कर रहे हो उसमें कठिन शब्दों का उपयोग किया गया है, तो वही कठिन शब्द आपको उठा के लिखने हैं और उसका मतलब समझना है। अगर आपने ये मतलब समझ लिया ना, तो आप भी वो जो बुक है ना पढ़ाई करते वो भी कक्षा दो या तीन जैसी लगेगी और उस पाठ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एकदम सरल लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी पाठ आसानी से याद कैसे करें, कोई भी पाठ है उसको आसानी से याद कैसे करें। ठीक है, तो इसका भी आंसर देखते हैं। किसी भी पाठ को समझने या याद करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप उस पाठ को पूरा पढ़ लीजिए या रट लीजिए तभी आपको वो पाठ याद होगा, ऐसा नहीं है। उस पाठ को आप याद करने के लिए सबसे पहले एक कॉपी बनाइए जिसमें नाम डालिए, और मतलब अभी बताया ना मैंने, उसमें नाम डालिए और उस पाठ के कठिन शब्दों को उठाइए, निकालिए और उसका मतलब निकालिए। जो कठिन शब्द है उसको एक तरफ लिख के उसका मतलब निकालिए, उसके बाद उस शब्द को पढ़िए। उसके बाद जब शब्द आपको याद हो जाएंगे, उसके मतलब आपको पता चल जाएंगे, तो उस टॉपिक को आप पढ़िए जिसमें वो कठिन शब्द थे, तो
वो टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको करना क्या है, एक बात और करनी है, देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी आपको उठाने हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा याद रखिए, पढ़िए तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें? देखिए परीक्षा आप देने गए हैं, कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें? अगर आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे, मैंने पहले ही बताया ना, अगर आप घबराएंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब घबराएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो घबराना नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न का मतलब निकालिए, मतलब उसको समझिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है, यह प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यह किस टॉपिक पर पूछा जा रहा है, आप उसको थोड़ा समझिए अपने दिमाग में, और समझने के बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, अच्छे से समझिए पहले, मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको उसके चार विकल्प दिए होंगे उनका थोड़ा मतलब समझिए, उसके बाद आपको वह प्रश्न आसानी से थोड़ा याद हो जाएगा। और आप एक काम करना, देखिए जब आप ये अपने पाठ का जो कठिन शब्द है उसका मतलब निकालोगे ना, वो मतलब निकालने के बाद आप क्या करना, अपने कॉपी में महत्वपूर्ण हेडिंग डाल देना, ठीक है, महत्वपूर्ण हेडिंग, उस पाठ की जो महत्वपूर्ण हेडिंग है उनको भी लिख लेना, उसके बाद आप लाइन से पढ़ना, ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है ना 100% अच्छे से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन के साथ आगे, आज के लिए इतना ही।